आज हम बना रहे हैं मूली के परांठे। तो ये मूली लिए मैंने, अब मैं इसको अच्छे से धो के कद्दूकस कर लेती हूँ। मूली को मैंने कद्दूकस कर दिया है। ये मैं हरी मिर्ची, सौंफ, राई, हींग, अमचूर और धनिया लेना है थोड़ा सा। सबसे पहले कढ़ाई को ऑन करना। फिर इसमें थोड़ा सा तेल डालना। तेल आ जाओ। फिर इसमें थोड़ी सी हींग, सौंफ, राई, मिर्ची, इस टाइप से हो जाओ। फिर मूली में से सारा पानी निचोड़ के इस टाइप से इसमें डाल देंगे, इस टाइप से। पानी बिल्कुल नहीं रहे। इस तरीके से सब मिक्स कर लो। स्वाद अनुसार नमक डालना है। मैंने 2 चम्मच मिर्ची डाली है, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल देना। जरा सी हल्दी, अब इन सबको अच्छे से मिला लेनी है। मैंने गैस ऑफ कर दिया और इस कढ़ाई में थोड़ी सी और ये अमचूर डालनी है, 2-4 चम्मच छोटे से। स्वाद अनुसार खटाई। अब हमारा मूली का मसाला ये तैयार है परांठे का। इसमें थोड़ा सा धनिया डाल दो। इस टाइप से बारीक काट के मसाला तैयार है। अब हम आटा लगाते हैं। लोई लिए मैंने, अब इसको इस तरह से करना है। थोड़ा सा ये तेल लगाना है और ये इस तरह से मसाला भरना है। फिर इनको वापस पैक करना है इस टाइप से, कचौरी की तरह। ये पैक कर दिया मैंने इस टाइप से। लोई को पलोतन लगाना है और फिर धीरे हाथों से इसे धीरे धीरे बेलना है इस टाइप से। ये परांठा बेल दिया मैंने इस टाइप से, तवे पे रख लो और थोड़ा सा तेल लगा लो ताकि ये चिपके नहीं। अब इसे पलटा दो, फिर इसमें अच्छे से तेल लगाना है। अच्छा सा तेल लगाना है इस टाइप से, दोनों और तेल लगा के
अच्छे से सेकना है। परांठा तैयार है, आप चाहो तो इसे चटनी के साथ सेव कर सकते हैं, लहसुन की चटनी के साथ, दही से, सॉस से या फिर बटर से भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बनाएं और आप ज़रूर इसको ट्राई करना।